एग्जिट पोल से पहले गदगद मोदी सरकार तय मान रही है सत्ता में वापसी। एनडीए नेताओं संग डिनर में पास किया 2022 तक के कार्यक्रमों का प्रस्ताव। पीएम मोदी ने बैठक में गरीबी पर जताई चिंता, कहा देश में सबसे बड़ा तबका गरीब ही है, अब व्यापक बदलाव का है वक्त। एनडीए ने यह संकल्प लिया है अब हम प्रगति की गति को और बढ़ाएंगे और लोगों की आवश्यकता को पूरा करेंगे आगामी 5 वर्षों की जो हमारी सरकार होगी। राजनाथ सिंह ने कहा 2019 का जनादेश इस बात का प्रमाण है कि अब नामुमकिन भी मुमकिन है। एनडीए ने बुनियादी ढांचे में 100 लाख करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की योजना बनाई। अगले 5 साल में विकास की रफ्तार होगी तेज, आने वाली सरकार रखेगी किसानों का खास ख्याल, कृषि में 25 लाख करोड़ के निवेश का प्लान। एनडीए के 2022 के प्रस्ताव में जिक्र $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है भारत, दुनिया की भारत पर टिकी है नजरें। राजनाथ सिंह ने भारत को छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का भी किया जिक्र, कहा 2022 तक भारत को तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाना लक्ष्य। बैठक में उद्धव शाह, रामविलास और नीतीश ने रखी बात, सशक्त भारत के निर्माण का किया प्रण। डिनर के दौरान चर्चा में उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सूखे पर भी जताई चिंता। चुनावी नतीजों से पहले अमित शाह ने एनडीए के नेताओं को दी यह डिनर, बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं की शिरकत। डिनर से पहले प्रधानमंत्री मोदी को किया गया सम्मानित, सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री को भेंट की चादर। एनडीए नेताओं के डिनर में लंदन से आकर उद्धव ठाकरे ने भी की शिरकत, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहे मौजूद। अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल ने भी एनडीए बैठक में की शिरकत, रामविलास पासवान भी रहे मौजूद। अमित शाह ने टीम मोदी सरकार को दी बधाई, कहा देश को आगे ले जाने के लिए की कड़ी मेहनत। 23 मई को सुबह 8 बजे से शुरू होगी लोकसभा चुनावों के मतों की गिनती, लेकिन विपक्ष की ईवीएम पर तकरार अब तक जारी। कल 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग से की मुलाकात, ईवीएम पर जताई अपनी आशंका, 50% मतों की वीवीपैट पर्चियों से मिलान की मांग। विपक्षी दलों की मांग, वीवीपैट पर्चियों के मिलान में अगर मिले एक भी गलती तो उससे जुड़े पूरे विधानसभा क्षेत्र 100% पर्चियों का हो मिलान। आज चुनाव आयोग विपक्ष की आशंकाओं पर ले सकता है अपना अंतिम फैसला। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल डिनर में एनडीए नेताओं से ईवीएम पर उठ रहे सवालों को लेकर चिंता जताई, केरल और बंगाल में हिंसा पर भी चिंता। 23 मई को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष काउंटिंग के लिए पूरे देश में तैनात किए गए 1600 पर्यवेक्षक। वीवीपैट से पर्चियों के मिलान के चलते फाइनल रिजल्ट में इस बार देर होने का अनुमान। नतीजों से पहले सामने आई विपक्ष की बौखलाहट, आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने दी खून खराबे की धमकी। बिहार के महागठबंधन में शामिल उपेंद्र कुशवाहा ने दिया भड़काऊ बयान, कहा नतीजों के दिन तैयार रहे समर्थक और मतदाता। उपेंद्र कुशवाहा की धमकी पर रामविलास पासवान का पलटवार, बोले जैसे को तैसा, जैसा होगा व्यवहार। सीएम नीतीश कुमार भी एनडीए की बहुमत को लेकर दिखे आश्वस्त, कहा जब भी हार रहा होता है विपक्ष तो शुरू कर देता है ईवीएम कोरोना। जेडीयू नेता अजय आलोक ने कुशवाहा के साथ समूचे विपक्ष को बताया हताश और निराश। जीएमके और एआईजीएमके दोनों दलों ने अपने कार्यकर्ताओं को ईवीएम सुरक्षा पर नजरें बनाए रखने के लिए कहा। भोपाल में स्ट्रांग रूम में के बाहर ईवीएम सुरक्षा में जुटे कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं का दिखा अनोखा रंग, आपस में खेली अंताक्षरी। भोपाल में दिग्विजय सिंह ने देर रात स्ट्रांग रूम जाकर लिया ईवीएम सुरक्षा का जायजा, पत्नी अमृता भी रही साथ। यूपी के मेरठ में भी ईवीएम की चौकसी का दिखा अलग ही नजारा, महागठबंधन के प्रत्याशी हाजी याकूब के समर्थक दूरबीन से रख रहे नजर। हाजी याकूब कुरैशी के समर्थकों ने स्ट्रांग रूम के बाहर जाला डेरा, तंबू में ही होता है रोज इफ्तार। रामपुर पहुंची बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा, एग्जिट पोल से दिखी खुश, खुद की जीत और फिर मोदी सरकार का दावा। जयप्रदा ने ईवीएम पर सवालों को बताया विपक्ष की घबराहट, आजम खान से जुड़े सवाल को टाल दिया। यूपी के फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने मंडी समिति जाकर ईवीएम सुरक्षा का जायजा लिया। आजमगढ़ पुलिस ने सोशल मीडिया में ईवीएम को लेकर भ्रम फैलाने वाले शख्स को किया गिरफ्तार, शांति भंग का दिया हवाला। ईवीएम विवाद के बीच चंद्रबाबू नायडू की सक्रियता जारी, पूर्व पीएम देवेगौड़ा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी से मुलाकात की।
हाजीपुर में भी महागठबंधन के कार्यकर्ता ईवीएम की कर रहे पहरेदारी। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम भी स्ट्रांग रूम के बाहर करते हैं रथ जगह। नजदीकी से गुजरने वाले गाड़ियों की हो रही है तलाशी। अकोला में 23 तारीख की मतगणना को लेकर प्रशासन। प्रियंका के ऑडियो संदेश के बाद ईवीएम की सुरक्षा में जुटे कांग्रेसी कार्यकर्ता। आगरमालवा के बगलामुखी मंदिर में फिर मोदी सरकार के लिए कराई गई तंत्र क्रिया। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार चौहान ने कराया अनुष्ठान। मतगणना से पहले मथुरा पहुंची हेमा मालिनी, मंदिर जाकर मांगा जीत का आशीर्वाद। यूपी के शाजापुर में जिला निर्वाचन अधिकारी का फरमान, मतगणना के दौरान सुरक्षाकर्मी राजनेताओं से न मिलाए हाथ, नहीं तो होगी कार्रवाई। प्रयागराज में भी गठबंधन प्रत्याशियों को सता रहा है ईवीएम असुरक्षा का खतरा, कार्यकर्ता दे रहे हैं पहरा। झारखंड गोड्डा जिले में एक पीठासीन अधिकारी लापता, मतगणना के बाद से अब तक कोई खबर नहीं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार और बीजेपी के बीच रस्साकशी। सीएम कमलनाथ का आरोप, बीजेपी कर रही विधायकों की खरीद पर। सीएम कमलनाथ का आरोप, सरकार गिराने के लिए विधायकों को पैसे के साथ पद का भी दिया जा रहा ऑफर। मुझे कम से कम 10 विधायकों ने अभी कहा कि हमें ऐसे फोन आ रहे हैं, पैसा का प्रलोभन दे रहे हैं, ऐसे पद का प्रलोभन दे रहे हैं। बीजेपी ने विशेष सत्र बुलाकर सीएम कमलनाथ से शक्ति परीक्षण की मांग की है। नेता विपक्ष गोपाल भार्गव ने राज्यपाल को खत लिखा। कल कैलाश विजयवर्गीय ने दिया था बयान, 20 से 22 दिन के मेहमान है कमलनाथ सरकार। वर्ल्ड कप 2019 के लिए रवाना हुई टीम इंडिया, 30 मई से होगा वर्ल्ड कप की शुरुआत। कोहली धोनी को साथ देकर प्रशंसकों ने किया सवाल, हाउस द जोश। टीम इंडिया के समर्थक भारत आर्मी लिखा झंडा लेकर खड़े नजर आए, इंडिया इंडिया के लगाए नारे। वर्ल्ड कप की टीम इंडिया को मोबाइल कैमरे में कैद करने की प्रशंसकों में दिखी होड़। वर्ल्ड कप में 5 जून को होगा भारत का मुकाबला, दक्षिण अफ्रीका से होगी टक्कर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल की आतंकियों से मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। कुलगाम में 2 आतंकियों के छिपे होने की भी खबर, मुठभेड़ जारी। भदोही में अपहरणकर्ता की पुलिस से मुठभेड़, घिरने पर अपहरणकर्ता ने सर में गोली मारकर की खुदकुशी। पुलिस ने अपहरणकर्ता के चंगुल से 7 साल के मासूम को छुड़वाया, गाड़ी से दूर तक किया था पीछा। प्रयागराज से मासूम को अगवा कर मांगी गई थी 3 करोड़ की फिरौती। एनकाउंटर में हुआ खुलासा, मासूम को अगवा करने वाला उसी के घर का ड्राइवर निकला, कुछ महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था ड्राइवर। अमरावती के भुलोरी गांव में आग का तांडव, 50 आदिवासियों के घर जले। उत्तराखंड के श्रीनगर में जल रहा है जंगल, करोड़ों की वन संपदा खाक। बहराइच के नवाबगंज में पूर्व प्रेमी ने प्रेमिका को जिंदा चलाने की कोशिश की, 90% झुलसी पीड़िता। वारदात के दौरान आरोपी भी झुलसा। यूपी की गोंडा में 3 दोस्तों के बीच अवैध पिस्टल की हुई छीना झपटी, में चली गोली, एक लड़के की गई जान। यूपी के शाजापुर में हैंडलूम की दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। वर्धमान में पेड़ पर चढ़ गया एक सनकी, उतारने के लिए पेड़ पर चढ़े लोगों से की मारपीट, 4 घंटे बाद उतारा गया। शोभे में रिहायशी इलाके में घुसे भालू को लोगों ने मार डाला, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कच्छ में कोस्ट गार्ड ने एक बोट में पकड़ी ड्रग्स की बड़ी खेप, 500 करोड़ की ड्रग्स के साथ 6 पाकिस्तानी गिरफ्तार। त्रिपुरा के कैलाश में 3 तस्कर गिरफ्तार, 25 लाख का गांजा बरामद। जोधपुर में दर्दनाक हादसा, डैम में डूबने से 3 बच्चों की मौत। औरंगाबाद में जादू टोने का आरोप लगाकर बुजुर्ग की लोगों ने कर दी हत्या, पीट पीट कर मार डाला। विशाखापट्टनम में पहला एसी बस अड्डा जनता के लिए खोला गया, ठंडी हवा में खुश नजर आए यात्री। सांगली में अकाल की आशंका के मद्देनजर लोगों ने निकाला अनोखा मार्च, गधों के साथ किया मार्च, पेयजल की जताई चिंता। ग्वालियर में आंधी तूफान का कहर, ढहे तमाम पेड़। तेज हवा से थमी गाड़ियों की रफ्तार, जमकर हुई बारिश। वर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ता पर टीएमसी कार्यकर्ताओं को बंदूक की बद से पीटने का आरोप, सर में लगी चोट। वर्धमान में हाईवे पर टैंकर और एक गाड़ी की आमने सामने टक्कर, ड्राइवर की गई जान। गैस कंटेनर बॉडी काट कर निकाला गया। मेरठ में बदमाशों ने जौहरी को लूटा, 90,000 कैश और जेवरात लूटे गए। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में शाल में फटा सिलेंडर, 13 लोग घायल। इसरो की एक और कामयाबी, श्रीहरिकोटा के रडार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक की लॉन्च। वलसाड में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। कानपुर में छेड़छाड़ से परेशान दलित नाबालिग ने लगाई फांसी, पुलिस पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने का आरोप। नोएडा में रिटायर्ड डीएसपी की खाली कमाई का खुलासा, एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच में सामने आई करोड़ों की दौलत। मुजफ्फरनगर में पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाश जख्मी, 2 तमंचे और कई कारतूस बरामद।
अमृतसर में दुकान पर कब्जे को लेकर खुलेआम मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई गुंडागर्दी। गृह युद्ध की आग में झुलस रहा लीबिया, त्रिपोली में विद्रोही और सुरक्षा बल के बीच आमने सामने की जंग की तस्वीरें सामने आई। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक त्रिपोली की ताजा हिंसा में 500 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान, 75,000 लोग हुए बेघर। अमेरिका के ओक्लाहोमा, कुदरत का कहर, भारी बारिश के बाद सैलाब की आफत। ओक्लाहोमा में रेस्क्यू मिशन जारी, तेज हवा में पेड़ की टहनी पकड़कर खुद को बचाता दिखा एक शख्स। लंदन में महारानी एलिजाबेथ ने दी शाही गार्डन पार्टी, हर साल 30,000 गेस्ट इस पार्टी में होते हैं शामिल। दुनिया भर में 10% कर्मचारियों की छटनी करेगी फौज, 7,000 लोगों की जाएगी नौकरी। रिलीज से पहले प्रधानमंत्री मोदी पर फिल्म का नया ट्रेलर लॉन्च, 24 मई को बड़े पर्दे पर दिखेगी मूवी। कैंस फिल्म समारोह में हिस्सा लेकर इथियोपिया के लिए निकली प्रियंका चोपड़ा, यूनिसेफ के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। 14 जून को रिलीज नहीं होगी सोनम कपूर की फिल्म जोया फैक्टर, क्रिकेट वर्ल्ड कप की वजह से फैसला। गर्मी बढ़ते ही जयपुर में लोगों की बड़ी मुश्किलें, पीने के पानी की किल्लत सामने आई। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।